Hello, namaste. How are you? I'm fine. Where are you from? France. France. And you? I'm from India. India? Yeah. Ride by. Sir. Yeah, and you? It's day two? Day three. Day four. It's day four. Yeah. From Besisar. We'll complete all circuit by bike. So nice. Thank you. That's good. Best of luck. देख रहे दोनों व्हील इसके लॉक है फिर भी गाड़ी फिसलती हुई नीचे आ रही है. ओ माय गॉड. मुझे लगता है हेल्प आ जाए फिर यहाँ से निकाला जाए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी. बिना हेल्प के निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी. अपने को क्या करना, अपना तो हिम्मत जवाब दे गया है. ओह माय गॉड, निकल गया भाई. ओह माय गॉड, बाप रे बाप. यहाँ भी निकाल लेते हैं पहले, फिर पीछे चलते हैं हेल्प करवाने के लिए. कोई नहीं. आप गिरोगे नहीं, टेंशन मत लो. सपोर्ट है. दिस इज़ द पॉइंट जहाँ हम लोग एक के बाद एक करके वहाँ पे गिरे, और उसके बाद जो इतनी हाइट के बाद पे गिरने के बाद जो एफर्ट लगता है, जो एग्जॉशन होता है, उसके बाद सब लोग रेस्ट के कंडीशन. नेपाली बाइकर ये चढ़ा लेंगे, ये नेपाली बाइकर हैं, दोनों के साथ चढ़ा लेंगे ये. अच्छा, एक बंदा उतर गया. ओहो, हल्की बाइक है एकदम. हल्की है, 110-120 होगी, 110 केजी, हाफ वेट है. तो यार रुकना तो पक्का है, मेरी भी रुक गई थी वहाँ जाके. हाँ, लेकिन फिर ये पीछे था. बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस आप? एक्सपीरियंस माने क्या होता है, डंडा हो गया. मनांग है ये. और एक बात बताऊं, अगर आप राइडर हो और कभी मनांग के लिए प्लान कर रहे हो तो एक बात तो पक्का 10 बार अपने दिमाग में लिख लो कि कभी सोलो मत आना. ग्रुप में आना, वो भी कम से कम 4 लोगों का ग्रुप में. बिल्कुल बिल्कुल. इससे कम में आओगे तो वापस नहीं जाओगे, ये नोट कर लेना. चार लोग का ग्रुप. हाँ, मिनिमम 4 लोगों का ग्रुप हो तब आना. बिल्कुल. फिटनेस लेवल हाई, वो भी फिटनेस लेवल हाई कर रहे. 2-3 महीने पहले से प्रिपरेशन होनी चाहिए फिटनेस. ओवर कॉन्फिडेंस में मत होना कि मैं बहुत अच्छा राइडर हूँ. दुनिया का चाहे जितने अच्छे राइडर होगे बेटा, गिरोगे जरूर यहाँ 4-5 बार. और गिर जाओगे, अकेले रहोगे तो कोई पूछने वाला नहीं है. गाड़ी के पास सिर पे हाथ रख के रोओगे केवल, सिर पे हाथ रख. इसलिए जब भी आना ग्रुप में आना, मिनिमम 4 लोगों के ग्रुप में आना, और बाइक की कंडीशन पूरी पूरी तरह से चेक करा के ठीक करा के आना. सही बात. मनांग सोलो के लिए नहीं बना है. अगर आप सोलो राइड करते हो और मनांग का प्लान करते हो तो बी अवेयर डियर,
आप ये कर सकते हो कि बहुत शॉर्ट शॉर्ट राइड करो और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करो और आफ्टरनून तक ख़त्म कर दो, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं तो आपको बैकअप मिल जाएगा। लेकिन अगर बेहतर ये रहेगा कि आप ग्रुप के साथ राइडर करो, ग्रुप के साथ राइड करो, एटलीस्ट 4 पीपल, क्योंकि बाइक में लगे जो इसके साथ काफ़ी भारी हो जाती है और जो सिचुएशन होता है ग्रेवल होता है, ग्रिप नहीं मिलती बाइक को, तो उसको जो है उठाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दिस इज ब्यूटीफुल बरतांग और यहाँ पे पूरा का पूरा एप्पल का गार्डन है, वहाँ से लेके हम लोग एप्पल खा रहे हैं। और यहाँ पे फ्लैग, खूबसूरत सा फ्लैग और एक बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे एक कैफ़े है जहाँ हम लोग रुके हैं कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि 2 बार स्किप करने के बाद थोड़ा हिम्मत दे गई थी जब आप, इसकी वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा लेते हैं यहाँ पे रेस्ट। और यहाँ पे कैफ़े में आपको सब वेस्टर्न और इंडियन आपको डिश मिल जाएगा, तो अगर भूख लगी है तो आप यहाँ पे रुक के कॉफ़ी ले सकते हैं और साथ में डोनट्स ले सकते हैं। कैश काउंटर और कैमरे में शायद नहीं दिख रहा होगा लेकिन काफ़ी ऊपर से एक वाटरफॉल भी आ रहा है, तो ये बिल्कुल आइडियल लोकेशन है आपको रुकने के लिए, स्टे करने के लिए। और दिस इज़ ऑसम यार, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, केवल वुडन से क्या बेहतर बनाया है ये तो मतलब ऐसी ही लकड़ी ही है, ऊपर एक ऐसे रख दिया, ब्यूटीफुल यार, नो डाउट। रुकने की जरूरत हो तो आप बहुत ही शानदार। ये कुछ स्पेशल वुड है क्या? भोजपत्र है। नहीं, भोजपत्र भोजपत्र है भैया, भोजपत्र बोले तो जी, भोज ये भोजपत्र है, जिससे पहले भोजपत्र है ना, ये भोजपत्र के भोजपत्र मतलब इसका यूज क्या है? अरे पहले इसी पे लिखा जाता है, लिखने का काम इसी पे, भोजपत्र मींस पेपर। अच्छा इस पे तो इस पे कैसे लिखते हैं? इसको रिफाइन करते हैं ना। अच्छा इसको रिफाइन करके इसको पेपर की तरह वो करते हैं। वाओ यार दिस ब्यूटीफुल, ये देख रहे हैं ना, ये भोजपत्र है, भोजपत्र की लकड़ियां। यू केम फॉर बाइक? वी केम फॉर बाइक सो फास्ट। वो आप लोग का कॉफी है, हम दोनों लोगों का एक्सप्रेसो काफी आया है और इन लोगों का लाटे ये कैपेचिनो है। लेकिन और ये क्या है? प्योर कॉफी का टेस्ट है, वो वाला नहीं है जो नेस्कैफे में देता है। हां फ्रेश एप्पल जो ऑसम यार, ऑसम फ्रेश। वाह डेनमार्क, ओके लुक्स लाइक दिस लुक्स लाइक अ व्हाटएवर यू आर फ्रेंड्स। और ये आप सोचिए कि मैं कूल दैट्स कूल गुड फ्रेंडशिप। You came solo? The hotel? Yeah. The hotel I was staying, there was a Mexican girl. She was also solo. She is... Ah, we see her. Oh, you saw her? Yeah, before we meet her in... she was American? Yeah. Not girl? Yes, yes. Yeah. Where did you see her? She stayed in the same hotel where we stayed last time. In where? In morning, Chami and Dharapur. Dharapani. Danuk. Danuk. Oh. No, between Chami and Dharapani, there was a place. Danakil. Danakil. Yeah. You all stay there? No. We stay in Chamze. Okay. And then, where was Timang? Okay. Was it the? काफी hard है यार. Today. Manang. Doing the circuit. She said she is doing Annapurna circuit. Yeah. We didn't ask her. She's asking particularly. Actually, I had done the circuit before. Details. So she asked me whether we could go for the base camp. The girl said, like, we all are. But there's too much dust here. Why? Actually, I don't think this is the trek. Hasn't trek. Started. The actual trek hasn't started. This is not the place to trek. Yeah. This is dirt all here. This is all and dust and all that. It's a motorable road. Yeah, but it's different because sometimes you have like other way, trekking way, and we like quit the road. On the forest and there is other place, but yeah, we are lucky with the weather because like
5 days or 10 days ago. It was rainy and all the people came back to Bessar. Yeah, everyone who came from Langtang, they just saw the people. I went till 6,045 meters. I went for the mountain rim. I didn't, apart from trekking. And you're doing a video? Yeah, about the bloggers and age limit to that. Beyond the age. he is 56 only. Only? एक क्विक टूर आपको करा दे रहा हूँ फार्म हाउस का यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत और इनका ये रेस्टोरेंट डाइनिंग एरिया, और वाओ ऑसम मैन ऑसम। लुक एट द प्लेस मैन, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल। And this is original, most important. What a thinking are. और इस पूरे एरिया को जब आप क्रॉस करके दूसरे साइड जाओगे गैलरी से, तो आपको एक बेहतरीन सा वाटर फॉल देखने को मिलेगा। सो इफ़ यू आर going to Manang, better to visit here and stay there, because this is awesome place yaar, you're awesome। ये पीछे देखिए, यहाँ पे पूरा ऊपर से waterfall आ रही है, और ये जो आप plant देख रहे हो ये है apple tree, अभी इसमें flowering हुई है ये apple tree में, so आपको विजिट करने को मिलेगा। तो दिस इज़ द बरतांग, और यहाँ पे जो कॉफ़ी हाउस है, फार्म हाउस है, यहाँ रुकना बनता है भाई, क्योंकि यहाँ आप पूरा घूम सकते हो एप्पल ट्री का गार्डन, एप्पल आर्किड पर फ्रेश जो है बिना शुगर वाला आप एप्पल का जूस पी सकते हो, एप्पल के और जितने प्रोडक्ट बनते हैं वो सब टेस्ट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट का, और बिल्कुल कल्चरल जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। मेट हियर, क्या नाम है सर आपका? माय नेम इज राजू। राजू, ओके, वाइल्ड बुद्धा, ओके, सो इनका भी चैनल सपोर्ट करो यार। और अभी आप कहाँ से आ रहे हो? मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, मेरा घर उधर दानाक्यू है। दानाक्यू में, बढ़िया। See you. Yersa gumba, that's a caterpillar fungus. Yeah. I have one video that in which I have tasted the mad honey. Okay. And then the one spoon, I was full high. And my friends. We'll see. Okay. Thank you so much. Nice to meet you, dear.